आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 48 रन की अहम पारी खेलकर लो स्कोरिंग मैच को एक तरफा कर दिया। मैच के बाद गिल ने बताया कि किस तरह से वो मुश्किल से अपनी 12वीं की पढ़ाई को पूरा कर पाए हैं। शुभमन गिल ने बताया कि नाइट राइडर्स में इस वक्त काफी पढ़े लिखे लोग नजर आ रहे हैं। एक तरफ सलामी बल्लेबाज वेंकटेशन अय्यर हैं, जिन्होंने सीए की पढ़ाई करने के बाद एमबीए की और फिर क्रिकेट जगत में कदम। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती भी आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर चुके हैं। टीम में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या ये सभी अपनी किताबें लेकर ही ड्रेसिंग रूम में आते हैं? इस सवाल के जवाब में हल्के फुल्के कि पता नहीं कैसे इतनी पढ़ाई कर ली है इन्होंने, मेरी तो 12वीं भी बड़ी मुश्किल से ही पास हुई थी। आपको बता दें कि कल के मैच में शुभमन गिल ने वेंकटेश्वर अय्यर के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की थी। जब जीत का फासला महज 12 रन रह गया था, गिल युजवेंद्र चहल का शिकार बन गए थे। गिल ने 34 गेंद पर 48 रन की पारी खेली थी, 27 गेंदों पर 41 रन की नाबाद पारी खेली थी। इस मैच में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही है, उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए। चक्रवर्ती ने एक ही ओवर में ग्लेन मैक्सवेल और बनिंदु हसरंगा को अपना आईपीएल से जुड़ी हुई ऐसी जानकारी पाने के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें।